गुड मॉर्निंग सब, कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड आज मैं कबाड़ से जुगाड़ कर रही हूँ। देखिए ये वॉश बेसिन मुझे मिला है, हमारा नहीं है, जो मेरे घर से चौथा मकान है उसने मकान गिरा दिया, वो फिर से बना रहे तो उसने ये निकाल के रोड पे रख दिया था, कचरे में जाने वाला था। जो कचरा निकलता है ना वो आता है ट्रैक्टर वाला, वो भर जाता है तो वहाँ पड़ा था, तो मैं उठा लाई हूँ। और मैं इसमें पर्सलिन लगाना चाहती हूँ फिर ना, मैं गार्डनर को तो कुछ भी दिख जाए तो वैसे भी करके हम लाते हैं और लोग हमारे सामने देखते रहते हैं कि ये क्या ले, क्या उठा जाए, उठा ले जा रही है। कोई बात नहीं फ्रेंड, देखने वाले तो देखते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। हम तो गार्डनर, हमारे मस्त में, हमारे जो मस्ती में रहते हैं, हमेशा कुछ दिख जाता है तो हम ले आते हैं कुछ ना कुछ। हमें बाहर में फ्रेंड, मैं बाहर जाती हूँ तो वही दिखती हूँ कि कुछ तो है नहीं, मेरे गार्डन में काम आए ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ। सॉरी, तो मैंने इसे साफ कर लिया है फ्रेंड, अच्छे से साफ नहीं किया है, कोई बात नहीं। इसमें जो मिट्टी भरनी है तो इसे होल बनाना की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए होल तो है ही, इसमें आता ही है। और ये मेरे अचार की पुरानी जार है, इसमें मैंने फिक्स किया है, स्टैंड इसका बनाया है, ये खाली है। मेरे जो पुराने अचार के जो थी ना जार, सब मैंने गार्डन में यूज कर लिया है, तो इसमें कुछ ना कुछ उसका स्टैंड बनाकर मैं रख देती हूँ। तो इसको भी मैंने स्टैंड बनाकर, ये गेंडी, ये जो वॉश बेसिन है इसमें मैंने फिक्स कर दिया है। तो इसमें मुझे पर्सलिन फॉर्चूला का वो लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी अभी मैंने पानी दिया है गार्डन में, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो लगा ही देती हूँ। बहुत टाइम से फ्रेंड मैं लाई थी पर नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला, ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं कुछ इसमें लगाऊं। अब पर्सलिन और पोचूला का सीजन है तो इसमें मैं लगा दूं, पूरा भर जाएगा तो ये वॉश बेसिन दिखेगा नहीं। और पर्चूला का पर्सलिन तो आपको पता ही है फ्रेंड, इतनी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अभी इसका सीजन है तो मार्च से इसमें फ्लावर आने लगते हैं फ्रेंड, तो अगस्त सितंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं, बाद में वो डोरमेंसी में जाते हैं। पर मैं इसमें बस यही लगाने वाली हूँ, मुझे ये लगाना है, पर्सलिन लगाऊँगी इसमें तो पूरा भर जाएगा फ्रेंड, अच्छा लगेगा, फिर दिखेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस में लगाया है, पूरा भर जाएगा तब तो फ्रेंड बस यही मैं करने वाली हूँ। ये जार दिखती है तो कोई बात नहीं, स्टैंड की तरह है दोनों, यहाँ एक यहाँ है, ये बड़ी वाली जार के ऊपर ये बकेट था, ये तसला था, मैं नीचे ले लिया है, मैं मटके ऊपर रख दूँगी, खाद के मटके पर। इसे मैंने यहाँ फिक्स कर लिया है तो इसमें मैं ये लगाऊंगी फ्रेंड। फ्रेंड जितना मेरे पास कलर था वो मैंने सब कटिंग ले लिया है, पोर्चूला का, पर्सलिन का, सबका मैंने कटिंग लिया है। इसमें मेरे पास दो कलर है, एक रेड है एक येलो है, और इसमें तो मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, वो सब कटिंग मैंने ले लिया है, कोई कली वाला है कोई ऐसे ही है, सब मैंने कटिंग रखा है यहाँ, तो मैं ये लगा लूँगी फ्रेंड। इसमें मेरे पास देसी वाला भी है, ऑरेंज है, वाइट है, पिंक है, येलो है, वाइट, रेड, सब तरह का इसमें है, तो मैंने कटिंग ले लिया है। मिट्टी भी मेरी यहाँ कल मैंने बनाई थी तो पड़ी है, तो मैं लगा दूँ इसे तो अच्छे से ये ग्रोथ करेगा फ्रेंड। इसे लगा कर आप धूप में ही रख दें कोई बात नहीं, अच्छे से वो ग्रोथ करता रहता है। और कोई पौधा होता है तो हमें लगाकर छांव में रखना पड़ता है, बाद में हम धूप में रखते हैं दो तीन दिन बाद, पर इसे तो फिर आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाकर छोड़ दीजिए, धूप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी रहता है फ्रेंड, इसके जो ये स्टेम है ना इसमें पानी रहता है, पत्तों में भी पानी रहता है, इसमें भी पानी रहता है, इसके पत्ते बहुत ही ठीक होते हैं, और इसकी डंडियाँ हैं इसमें पानी रहता है, इसमें इसे पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए,
तो मैं ये लगा रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने ये वॉश बेसिन में थोड़ा कचरा डाल दिया है नीचे, देखिए कचरा डाल के अब मैं इसमें लिक्विड डालूँगी, फिर मैं पर्सलिन लगाऊंगी, पोर्चुला का ये लगाऊंगी। नीचे कचरा डाल दिया है, ऊपर मिट्टी डाल दूँ। अच्छे से मिट्टी डाल दूँ। मैंने जार में फिक्स किया है, अच्छे से रह जाए तो ठीक है, नहीं तो और कुछ सोचूंगी। देखिए अभी भी थोड़ी मिट्टी डालनी होगी। ये डाल दिया, पूरा भर दिया। देखिए और अब मैं लगा दूंगी इसमें, यहाँ कुछ रख दूंगी फ्रेन, ये नलका होता है पाइप का, तो पूरा भर सकूँ मैं मिट्टी। देखती हूँ मैं, दिख रहा कि नहीं मुझे पता नहीं है, नीचे है बहुत मेरा ये, तो मैंने इतनी मिट्टी भर ली है और ये सब कटिंग लगा रही हूँ। इतनी इतनी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है फ्रेंड, आपको पता है सबको। इसमें बहुत सारे कलर है मेरे पास, तो सब कलर मैं लगा दूंगी। देखिए व्हाइट है, येलो है, रेड, पिंक, इतनी छोटी वो तो भी लग जाएगी फ्रेंड, और वो एकदम फास्ट ग्रो करती है, थोड़े दिन में तो ये पूरा कवर कर लेगी। देखिए इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर था, मैं निकाल दिया। सब तरह के मेरे पास कलर है, वो मैं लगा रही हूँ। एक छोटी सी कटिंग कहीं से मिल जाए आपको वो भी लग जाता है, ये इतना महंगा भी नहीं आता है। इसकी मैं दो दो कर रही हूँ, दो कटिंग बना रही हूँ, पूरा भर जाए जल्दी से, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। देखूंगी फ्रेंड इसमें फ्लावर फिर जो खिलेंगे तो कौन सा कलर नहीं है वो मैं फिर लगा दूंगी। देखिए ऑरेंज कलर के आए थे फ्लावर, आज खिले हैं, जब मैंने लिया था तब इसमें फ्लावर कलियां खिलने वाली थी पर मैंने ले लिया था। धूप में लगाकर धूप में रखेंगे तो भी कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, धूप का ही पौधा है, गर्मियों का पौधा है तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। सुबह सुबह खिल गए इसमें फ्लावर, धूप आई थी तो अब इसमें जड़े पकड़ लेगी तो इसमें खिलेंगे। ऐसे ऊपर की टिप है फिर ये थोड़ी ऐसे काट दीजिए, वहां से जल्दी से ग्रोथ करेगा। कबाड़ से जुगाड़ बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड, हमने अच्छा लगता है कि ये कुछ फेंकने लायक चीज है, फेंक देते हैं लोग तो हम यूज कर लेते हैं गार्डनर।
कहीं से भी हम उठा लाते हैं फ्रेंड, और हम इसमें कुछ ना कुछ लगा देते हैं, कुछ DIY कर लेते हैं ऐसा कुछ हो तो। तो मैं तो ऐसा करती हूँ फ्रेंड, आप सब में कौन कौन करता है ऐसा मुझे बताइए। कुछ रास्ते मिलता है तो ले आते हैं घर। मेरे हस्बैंड तो मुझे डांट रहे हैं, पागल हो गई अब। फ्रेंड हम गार्डनर को कितने भी गमले हो हमें कम ही पड़ते हैं, और मन ऐसे यही करता है कि अभी लाऊं, अब और भी लाऊं। पौधे में ही ऐसा होता है। फ्रेंड मैंने लगा दिया है, देखिए उस मशीन में पोर्चुला का, ये सब कलर के हैं। ये कलियाँ भी खिलेगी 2 दिन बाद, देखिए कि यहाँ कली है, 2-3 कली है इसमें, वो खिल जाएगी। अच्छे से लगा दिया है तो थोड़े टाइम में पूरा भर जाएगा, ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी टहनियाँ हो जाएगी तो पूरा कवर कर लेंगे, तो वॉश बेसिन दिखेगा नहीं। तो फ्रेंड आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो लगा दीजिए, बहुत ही ये काम की चीज़ें होती है हमारे लिए। लोगों के लिए बेकार है, फेंक देते हैं, पर हमारे लिए गार्डनर के लिए काम की चीज़ है। तो मैंने ये बना लिया है, कैसा लग रहा है मुझे बताइए। वेस्ट में से बेस्ट बनाया है, कबाड़ का जुगाड़। मैं यही करती रहती हूँ फ्रेंड। मेरी चिड़िया रानी आ गई है, आपको सुनाई देता होगा, बैठी है वहाँ ऊपर। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय।